तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उदयपुर आपको लिए चलते हैं। उदयपुर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और महाराणा भोपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। उदयपुर से पाली जाने का कार्यक्रम उनका है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उदयपुर पहुंचे हैं, यहां से पाली जाने का कार्यक्रम उनका है और वहां इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण करने वाले हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रवि हमारे सहयोगी उदयपुर से जुड़ चुके हैं। रवि तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, उदयपुर में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और फिलहाल बास्केटबॉल कोर्ट भी नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी इन तस्वीरों के जरिए? बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं उनका एक संक्षिप्त प्रवास है। जब चित्तौड़ से वो उदयपुर पहुंचे हैं, महाराणा भोपाल नोबल्स जो विश्वविद्यालय है उसमें हाल ही में एक इंडोर स्टेडियम बनाया गया है बास्केटबॉल का, उसमें उसका उन्होंने लोकार्पण किया है, खिलाड़ियों से मुलाकात की है। और जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय के जो तमाम जो प्रशासनिक और अन्य जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनका स्वागत किया और स्टेडियम का उन्होंने लोकार्पण किया है। और साथ ही साथ इस तरह की खेल सुविधाओं का विकास हो ताकि खासकर जनजाति अंचल की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको एक अवसर मिल सके, अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिल सके ताकि वो देश और दुनिया के स्तर पर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह की स्टेडियम्स का निर्माण किया जाता है। और ये जो लोकार्पण है, जाहिर सी बात है उदयपुर के जो खिलाड़ी हैं, इस आदिवासी अंचल के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। जी बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शहरी बच्चों के लिए और खिलाड़ियों के लिए हालांकि फैसिलिटीज मिल जाती है अगर ढूंढा जाए तो, लेकिन ग्रामीण अंचल से जो खिलाड़ी हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए ऐसी एक्टिविटीज और इस तरह के आयोजन, इस तरह की फैसिलिटीज बहुत जरूरी होती है। रवि आपने ठीक कहा इसको लेकर। रवि अभी जो तस्वीरें हैं उसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संभवतः यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरा पड़ाव कहां पर है उनका इसके बाद? देखिए केंद्रीय मंत्री जो हैं अब यहाँ इस लोकार्पण समारोह के बाद में उनका पाली जाने का कार्यक्रम है और पाली में जो राष्ट्रीय स्तर का जो जम्बूरी का आयोजन हो रहा है उसमें केंद्रीय मंत्री के शामिल होने का कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि चित्तौड़ से जब वो यहाँ आए तो उनका एक संक्षिप्त प्रवास एक तरीके से कह सकते हैं कि उदयपुर के इस कार्यक्रम में रहा और अब यहाँ से उनका पाली जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए रवि बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए।